हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? मेरा नाम है उमा। उमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिस्किट। बिस्किट कैसे बनता है रेसिपी हम आपको बताएंगे। आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आटा से बिस्किट बनाएंगे। ये आटा है, ऐसा वाला कटोरी में एक कटोरी आटा है, ये दूसरा कटोरी है, दो कटोरी आटा इसमें डालेंगे। सूजी हाफ कटोरी है। ये चीनी को हम पीस के रखे थे, रिफाइन ऑयल को गरम करके रखे हैं। इलायची है, जॉइन है, काजू और पिस्ता को काट के रखे हैं। और एक गिलास या हाफ गिलास दूध है, इसमें हम इसको सानेंगे। अभी हम दिखा रहे हैं, सूजी को आटा को मिला ले रहे हैं। उसमें अभी डालेंगे कटी हुई पिस्ता और काजू को, फिर जॉइन डाल देंगे थोड़ा सा, और इलायची को पाउडर करके रखे हैं, इसको भी डाल दे रहे हैं। ज्वाइन को ऐसे ऐसे करके आप डालिएगा। उसमें अभी अच्छा से मिला देंगे इसको। अभी इसमें रिफाइंड ऑयल दे रहे हैं, इसको मोयन करेंगे अच्छा से। इसमें और थोड़ा तेल लगेगा। को अच्छा से ऐसे ऐसे करके मोयन कीजिएगा। मोयन करने के बाद इसमें चीनी डालेंगे, जो चीनी को हम पीस कर रखे हैं उसको डालेंगे। आप अंदाज से आप डालिएगा, किसको जास्ती चीनी खाना पसंद है, किसको कम चीनी खाना पसंद है, वही हिसाब से आप डालिएगा। आप देखिएगा ऐसे डोर होना चाहिए, ऐसे इसको डोर अच्छा से हो जाए। उसमें आप चीनी मिक्स कीजिएगा, चीनी मिक्स हो जाए तो उसको दूध में सानना है। उतना पानी पानी मत सानिएगा जैसा आटा सानते हैं, ऐसा मत सानिएगा, थोड़ा सा हार्ड सानिएगा इसको। उसके बाद हम दिखाते हैं आप कितना अच्छा सान दिया आटा को। देखिए सॉफ्ट एकदम है। उसको हम चाट तो ये बना दिए हैं, अभी इसको हम बेल के आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा तेल लगा ले रहे हैं इसका ऊपर। हम इसी में उसको काट के आपको दिखा रहे थे। गरम हो चुका, अभी गैस को स्लो कर देंगे। अभी इस बिस्किट को इसी में डालेंगे, स्लो आंच में इसको पकाएंगे। जोर गैस मत कीजिएगा, लो जल जाएगा। ऐसे लाल होना है इसको, ये देखिए। उसको हम दूसरा थाली में निकाल रहे हैं। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं बिस्किट, चाहे आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। मेरा बिस्किट बन चुका है।
आपको दिखा रहे हैं कितना खस्ता बना है, देखिए। आप भी ऐसे बनाइएगा घर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।